और वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में विकास यात्रा कार्यक्रम में एक बच्चे की कविता पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने राष्ट्रपिता का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के विकास यात्रा कार्यक्रम के दौरान सिवनी में एक बच्चे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर कविता पढ़ी। कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रपिता का अपमान करते हुए पढ़ी गई कविता के दौरान बीजेपी विधायक दिनेश राय और बीजेपी कार्यकर्ता तालियां बजाते रहे। कांग्रेस ने मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और बीजेपी के विधायक के साथ साथ कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायक दिनेश राय का कहना है कि कांग्रेस बेवजह मामले को तूल दे रही है।